नमस्कार दोस्तों, AS Vlogs की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित शशांक। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छी अच्छी डीलरशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम आपके यहां सिंह कार सीरीज में पहुंच गए हैं। यहां का अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे, कोशिश करेंगे आज आपको थोड़े ऊँची सेगमेंट की गाड़ियाँ दिखाएँ। मिक्स सेगमेंट की गाड़ियाँ होंगी, जिनमें इको स्पोर्ट भी होगी, मर्सिडीज़ भी होगी, आपके लिए निराश ना हो वैगनार भी दिखाएंगे। सारी गाड़ियों की डिटेल देंगे, मेरे पीछे देख रहे हैं इनोवा भी खड़ी है, ऐसी सारी गाड़ियों की डिटेल आपको मिलेगी। और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कार बाज़ार के ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोज़ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पे ये रहे। भैया वेलकम टू AS Vlogs। और आज का कौन सा कलेक्शन हम दिखाएंगे? आज हम आपको बड़ी गाड़ियाँ और थोड़ी सी ऊंचे मॉडल की गाड़ियाँ दिखाएंगे। ऊंचे मॉडल की पहली गाड़ी शुरू करते हैं भैया, इनोवा। पहली गाड़ी है इनोवा, ओके। 2011 का मॉडल है। 2011 UP 16 भैया कहाँ का है नंबर? UP 16 नोएडा। नोएडा है, ओके। UP 14 गाजियाबाद आता है ना, नोएडा का नंबर है। गाड़ी भैया बढ़िया है, इनोवा चलती बढ़िया है, इसकी पूरी डिटेल दे दीजिए। ये 11 का मॉडल है, सेकेंड ओनर पे होगी। सेकेंड ओनर है और 1.5 लाख के समथिंग चली होगी। 1.5 लाख चली है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इनोवा के लिए। इनोवा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कितना चल जाती है ये वैसे आराम से? ये इनोवा तो मैंने देखी है 6 लाख चली हुई थी, तो अगर टाइमली आदमी सर्विस कराता है तो 3-4 लाख 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है इनोवा। ओके, इनोवा 1.5 लाख चली हुई है, 2011 मॉडल है, सेकेंड ओनरशिप है। अंदर कोई काम कोई काम नहीं है, सर्विस आप हमसे जो भी गाड़ी लेंगे तो सर्विस कराइए और चलाइए, इसके अलावा और कोई काम नहीं निकलता है। इंजन में कोई काम तो कोई नहीं होगा? नहीं, कोई काम नहीं। ओके, इस तरह की गाड़ियां लेते ही नहीं हम। वेरिएंट कौन सा होगा भैया, कुछ पता है? ये जी है, जी वेरिएंट। टॉप एंड है कि टॉप से नीचे वाला है? टॉप से नीचे वाला। ओके, डीजल पे ही होगी? डीजल। माइलेज कितना देती है इनोवा जैसी गाड़ी? इसका 12 के आसपास। हाँ जी, ओके। 2.5 यानी 2.5 लीटर यानी 2500 cc का इंजन है, बढ़िया गाड़ी है। प्राइसिंग भी भैया बढ़िया सी बता दीजिए। प्राइसिंग इसकी है 4.5 लाख। 4.5 लाख, थोड़ा बहुत नेगोशिएट। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं भैया, मर्सिडीज़ खड़ी है, कौन सा क्लास है भैया? ये 180 है। 180 है, A180। ओके, 32 यानी लखनऊ नंबर। हाँ जी, इसकी भैया डिटेल दीजिए, थोड़ा सा इसकी हम लोग लोडिंग्स भी बताएंगे। थोड़ा सा पास में आ जाइए, इसकी डिटेल दीजिए। टॉप मॉडल गाड़ी है, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। ओके, सीट का ऑटोमेटिक सीट होती है, हर चीज़ मतलब इसमें ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हैं, मेमोराइज नहीं है ना भैया? ओके, बाकी इसमें वेंटिलेटेड सीट का उस समय ऑप्शन आता नहीं था, बाकी जितनी भी लोडिंग्स आप चाहते हैं वो सब है। क्यों भैया? टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बाकी एयरबैग इसमें कितने होंगे कुछ बता भैया? एयरबैग इसमें 6 एयरबैग होते हैं, 8 होते हैं। टॉप मॉडल में 8 रहते हैं। मर्सिडीज़ है, 2 लीटर इंजन है, 2000 cc पे है कि? हाँ जी, 2000 cc पे है। डीजल है। माइलेज इसका क्या होता होगा भैया? माइलेज इसका 17-18 का रहता है, होता है। सर्विस थोड़ी इसकी महंगी आती है, लेकिन इस क्लास के लोग उतना माइंड में रखते नहीं। क्यों भैया? 20,000 के आसपास फिर भी सर्विस आराम से होती है कंपनी में। 30,000 समथिंग होगी, 30,000 बाहर होगी, 18,000 समथिंग। ठीक है, नई कितने में आती थी भैया, कितना पैसा बचवा देंगे आज अगर कोई लेता है? आती थी शुरू में आई है 25 लाख से, लेकिन अभी ये आ रही होगी 33-35 लाख की समथिंग। कितने में दे देंगे ये? हम आपको दे देंगे 11 लाख रुपये। 11 लाख में दे देंगे, 33 लाख की गाड़ी आती है, यानी आपको लगभग 35% में मिल रही है गाड़ी। और ये फाइनेंस के दायरे में भी है? फाइनेंस इस पे तकरीबन 8 लाख फाइनेंस भी हो जाएगा। हो जाएगा, तो यानी 4 लाख के आसपास देके मर्सिडीज़ ले जा सकते हैं। ओके, हो गई भैया इसकी भी डिटेल। इको स्पोर्ट भैया बहुत चमचमा रही है, इसकी डिटेल दीजिए। ये इको स्पोर्ट हमारा 14 मॉडल है। ओके, बस ओनर सेकेंड हो गया है। सेकेंड हो गया है, ट्रांसफ़र करा दिया? हाँ जी। ओके, और ये गाड़ी फुल टॉप मॉडल है, यानी टाइटेनियम ऑप्शनल वाली प्लस। एयर बैग कितने होंगे भैया इसमें? टाइटेनियम में तो होते हैं। एयर बैग 6 होंगे, 6। और पुश बटन स्टार्ट है। ओके, डीजल है? डीजल वर्जन। इसका माइलेज क्या होता होगा भैया? इसका माइलेज 20 के आसपास रहता है। 20 के आसपास। हाँ जी। ओके, टाइटेनियम है, 2014 है, सेकंड ओनरशिप है इसकी। भैया प्राइसिंग कितने में आती थी और अभी कितना बचवा देंगे इसमें? ये गाड़ी 10+ में ही आती थी। 10+ में? ओके, अभी तो काफ़ी महंगी हो गई है, अभी तो 12 के आसपास आ गई है इसकी प्राइसिंग। आपको मिल जाएगी तकरीबन
सवा पाँच लाख। ओके, थोड़ा बहुत इसमें भी नेगोशिएट। ओके, आ जाते हैं। महिंद्रा की भी गाड़ियाँ यहाँ अवेलेबल रहती हैं क्यों भैया? बोलेरो भी चाहिए, वो भी होगी। अभी फिलहाल TUV है, इसकी डिटेल दे दीजिए भैया। ये TUV है, 17 मॉडल है। 17 मॉडल ऊँचा मॉडल है। ओके, 40,000 इसका रन है। 40,000 है। और T8 वर्जन है। T8 टॉप एंड है उस समय का। टॉप एंड। ओके, डीजल पे है। डीजल वर्जन। ये माइलेज कितना देती है? ये इसका भी माइलेज तकरीबन 16-17 के आसपास रहता है। ये 1500 cc पे आती है भैया? हाँ जी। ओके, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है महिंद्रा का, जो अभी बोलेरो में पावर प्लस में है वही इंजन है। बोलेरो से थोड़ा अच्छी दिखने वाली, बढ़िया, जो शहर में भी चला सकते हैं, गाँव में भी चला सकते हैं, शादियों में भी ले जा सकते हैं, सारी तरीके की खूबियाँ इसमें मौजूद हैं। 7 सीटर गाड़ी है क्यों भैया? ओके, इसकी डिटेल सब दे दी। 2017 बताया। ओके, लखनऊ नंबर है, ओनरशिप फर्स्ट है। चली 40 है। 40,000 आस्किंग कितना बता रहे भैया? ये 7.5 लाख रुपए की पड़ जाएगी। 7.5 लाख। ओके, थोड़ा सा और पीछे आते हैं। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी गाड़ियों की, हैचबैक सेगमेंट की, जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। भैया ये खड़ी है फिलहाल अभी पोलो, इसकी डिटेल दे दीजिए। ये कम्फर्ट लाइन है पोलो। ओके, कम्फर्ट लाइन पोलो है, 14 मॉडल। कम्फर्ट लाइन यानी सेकंड टॉप जी। ओके, ये ओनर शायद इसका सेकंड होगा। सेकंड है, 2014 जी। ओके, लखनऊ नंबर है, 2014 है, कम्फर्ट लाइन यानी सेकंड टॉप है। चली कितना भी है? ये 80,000 समथिंग चली है। 80,000 मीटर से अपने यहाँ कोई छेड़छाड़ तो नहीं होता? कोई छेड़छाड़ नहीं होता, और इन गाड़ियों का मीटर बैग भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ओके, लेकिन कराने वाले खैर करा लेते हैं, बाकी आप कंपनी से चेक कराने के लिए बिल्कुल आपको छूट है। चेक कराइए, पहले आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, गाड़ी से पूरी तरीके संतुष्ट होइए, तभी डील करिए। हाँ जी सर। 2014 है, कम्फर्ट लाइन, सेकंड ओनर, डिमांड कितना कर रहे हैं भैया? ये 3 लाख रुपए की दे देंगे। 3 लाख में दे देंगे। ओके, इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत। इस पर आ जाइए भैया। एसेंट, ये हुंडई की एसेंट है। ओके, ये भी अपने ज़माने में एक गाड़ी थी, डॉक्टर इंजीनियर लोग पसंद करते थे। पिक्चरों में विलन भी लेके बहुत चलते थे क्यों भैया? इसकी डिटेल दे दीजिए। ये 2010 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। ओके, 32,000 ओरिजिनल चली हुई है। सिर्फ 32,000? हाँ जी। चेक कराएंगे गाड़ी? आप चेक करा लीजिए, चेक करा सकते भी। और ये 32,000 गाड़ी जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको दिख जाएगी 32,000 चली हुई, मतलब खुशबू आएगी शोरूम वाली क्यों भैया? जी। ओके, ओनरशिप फर्स्ट है? ये फर्स्ट ओनर है। डॉक्टर ओनर बताया आपने? ओनर डॉक्टर नहीं है, इस सेगमेंट के ही लोग लेते थे। ओके, डिमांड क्या कर रहे हैं भैया? ये आपको पड़ जाएगी 1,85,000। 1,85,000। ओके, बढ़िया गाड़ी है, जिसको भी अच्छी गाड़ी चाहिए। मेंटेनेंस भी भैया इसका ज़्यादा नहीं आता था क्यों भैया? कोई नहीं, मेंटेनेंस सेंट्रो वाला ही मेंटेनेंस है इसमें, 2,000-2,500 में सर्विस हो जाती है। पार्ट्स अभी अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी है। हाँ जी। ओके, तो अगर 1,85 में सेडान का शौक चाहिए, एक ऐसी कंपनी की चाहिए जो बंद नहीं हुई है, जिनकी अवेलेबिलिटी है, जो बढ़िया, मारुति के बाद दूसरे नंबर पर गाड़ी आती है उस कंपनी की है, बढ़िया डील 1,85 क्यों भैया? इसकी डिटेल दे दीजिए भैया। ये 2016 का मॉडल है। ओके, वैगनार है, VXI टॉप मॉडल, पेट्रोल मॉडल। पेट्रोली में आती थी? में आती है। LPG तो नहीं है? LPG CNG नहीं, LPG CNG नहीं है। माइलेज पेट्रोल पे क्या देती भैया? ये इसका भी माइलेज 18 और 20 का रहता है, लगभग 18-20 रहता है। 2016 फर्स्ट ओनर जी। चली कितना भैया? ये 39,000 चली हुई है। 39,000 फर्स्ट ओनर है। सीट कवर और कुछ भी अलग से नहीं है, सब कंपनी है, कंपनी फिटेड वाली। बाकी अंदर चारों पावर विंडो है, चारों पावर विंडो है, टॉप मॉडल है VXI। ओके, म्यूजिक सिस्टम तो कंपनी फिटेड होता ही है। हाँ जी। इन गाड़ी में एयर बैग मिलता नहीं है अभी? नहीं है, अब जो आ रहा है BS6 नॉर्म्स में उनमें मिल रहा है। फिलहाल इसकी आस्किंग क्या करना भैया? ये आस्किंग तो इसकी है 3,50 की, लेकिन ये गाड़ी 3,30 तक फाइनल होगी। ओके, आ जाते हैं भैया। वैगनार हमारे पास बहुत सारी हैं। हाँ जी, इसकी डिटेल भी दे दीजिए। ये 2016 का मॉडल है। 16 वो भी थी, 16 ये भी है। ये भी ठीक है, उसमें ग्रिल लगवा दी गई हैं अलग से? इसमें नहीं लगी, इसमें नहीं लगी है। इसकी डिटेल दीजिए ग्रिल वाली। ये 2016 का मॉडल है, VXI ये भी है। VXI ये भी है, और ये 60,000 समथिंग चली हुई है। ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड। ओके, ऑन रिकॉर्ड होती है, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं बैक कराते हैं, अगर कोई दे जाता है तो उसको हम लोग चेक करा लेते हैं, तो इस तरह की गाड़ी हम लोग लेते ही नहीं है। लेते नहीं है, बाकी अपनी संतुष्टि के लिए कोई भी आए चेक कराए। कोई भी गाड़ी आप हमारे यहाँ से परचेज कराइए तो पूरा पहले इत्मीनान करिए, कंपनी चेक कराइए, जब आपको पूरी तरह से इत्मीनान हो तब आप हमसे गाड़ी लीजिए। मॉडल 2016 बताया, 60,000 चली हुई बताया, 60,000 चली हुई। ओनर, ये डॉक्टर की गाड़ी है। डॉक्टर गाड़ी। ओनरशिप कौन सा है? फर्स्ट है। क्या आस्किंग कर रहे हैं?
ये भी वही रेट की है, तकरीबन 3.5 की इसकी मांग है, 3.30 तक ये भी फाइनल हो जाएगी, 3.30 के आसपास ये भी फाइनल हो जाएगी। ओके आगे चलते हैं भैया, थोड़ा सा और गाड़ी दिखा देते हैं। ये ओमनी भी अपने पास अवेलेबल है? हाँ जी ओमनी भी है। ओके तो सभी लोगों के लिए, हर तरीके के लोगों के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा बिजनेस क्लास के आदमी हैं तो आपके पास मर्सिडीज़ ऑडी भी मिल जाएगी, और अगर आप आम इंसान की तरफ कमाने वाली या उसी के आसपास गाड़ियाँ लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। ओमनी की डिटेल दे दीजिए भैया। ये ओमनी 2016 का मॉडल है। ओके इधर आ जाइए भाई थोड़ा सा। 2016 का मॉडल है ये और फर्स्ट ओनर है। सीएनजी लगी हुई है। सीएनजी कंपनी फिटेड है बाहर से लगी हुई है। बाहर से जी। ओके 60,000 समथिंग चली होगी। सीएनजी यानी पेट्रोल है ही, माइलेज सीएनजी पे क्या देती होगी भैया? इनका माइलेज वही 24 प्लस के आसपास रहता है सीएनजी पे, और पेट्रोल पे रहता है वही 18-20 समथिंग। बाकी गाड़ी तो ये रिलायबल है ही है, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है इसका। इसके तो अलग हैं लेने वाले। हाँ जो ये लेने के लिए ढूंढ रहे हैं वो यही लेंगे। वो ये नहीं कि वैगनार पसंद आ गई है, ओमनी के लिए तो ओमनी के लिए, ओमनी से ज़्यादा इको पे जाएंगे। क्यों भैया? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन। इसकी डिटेल भैया 2016 बताया आपने। 2016 सीएनजी है। सीएनजी है। ओनरशिप फर्स्ट ओनर है। 60,000 समथिंग चली होगी। ठीक है डिमांड क्या है? ये आपको हम दे देंगे 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये। ओके आ जाते हैं वैगनार का। हमने बताया यहाँ पर कलेक्शन बहुत सारा है, तो वैगनार अपने पास अवेलेबल है। एक पीछे भी भैया वैगनार खड़ी है, इसकी डिटेल दे दीजिए। ये वैगनार हमारा 2016 दिसंबर की है। 16 दिसंबर तीनों गाड़ियाँ 16 थी, वो दोनों फर्स्ट थी, ये सेकंड ओनर है। इसकी डिटेल भैया 16 सेकंड ओनर इसलिए हो गई क्योंकि ये दिल्ली की गाड़ी थी। दिल्ली की गाड़ी थी। लखनऊ में नंबर लिया गया है अभी 2020 में। ओके तो अच्छी चीज़ है, किसी को जो भी यहाँ आ गई है तो ट्रांसफर होके आई है। हाँ। उनको नहीं खर्चा करना है, कोई खर्चा नहीं है। ओके ये 2016 दिसंबर की गाड़ी है, कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है। कंपनी फिटेड है। ओके और ये 70,000 चली हुई है। 70,000 ये भी आपने चेक कराया है? हाँ ये चेक है। ठीक है रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में 17 मॉडल 2016 मॉडल है, 70,000 चली हुई है, सेकंड ओनर है। डिमांड कितना बता रहे हैं? ये आपको 3,30,000 रुपये की मिल जाएगी। 3.30 तीनों ही 16 थी, ये सेकंड ओनर है बस। इसमें निगोशिएट भी हो जाएगा थोड़ा बहुत हो जाएगा। ओके भैया एक हमारे पास एक ऐसी गाड़ी जिसकी डिमांड आती है वो गाड़ी मिलती नहीं, वो भी खड़ी है, टियागो की बात कर रहे हैं। टियागो की बात कर रहे हैं। टियागो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, जल्दी मिलती नहीं है। अब टाटा की गाड़ी, पहले के टाटा और अब के टाटा में बहुत बदलाव हो गया। अब उसकी गाड़ियां जल्दी कोई जो खरीद लेता है वो बेचता नहीं है। क्यों भैया? टियागो खड़ी हुई है और बहुत सारी यहां गाड़ियां अवेलेबल रहती हैं। जो भी गाड़ी की डिटेल आपको लेना है वो ले सकते हैं, फ़ोन कॉल किनारे। पूरे वीडियो में आपको नंबर यहां पर साइड में डिस्प्ले करता रहता है, कार बाज़ार का ही नंबर है, उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। भैया टियागो की डिटेल दे दीजिए। टियागो हमारी 2017 का मॉडल है। ओके 60,000 समथिंग चली होगी। 60,000 के आसपास। और ये भी गाड़ी डॉक्टर की है। डॉक्टर की ये भी है। पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, कहीं पे भी पेंट नहीं हुआ है, कहीं कुछ भी टचअप भी नहीं हुआ है, कुछ भी टचअप नहीं हुआ है, कुछ हल्के फुल्के स्क्रैच है जो कि ओरिजिनल है, और मैं उसको कराऊंगा भी नहीं, कराएंगे क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी चली जाएगी। ओके तो जो चीज़ जेन्युइन है सामने है, आए देखें चेक कराएं ले जाएं। रेप्यूटेड लोगों की गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां यहां डॉक्टर ओनर हैं तो उनके लिए तो अच्छी चीज़ है। जो भी डॉक्टर, मेरे पास 3 या 4 गाड़ियां हैं जो डॉक्टर की हैं, डॉक्टर की जैसी आती हैं वैसी मिलेंगी आपको। मिलेंगी। बाकी भैया इसकी डिटेल 2000 ये 2017 का मॉडल है, 60,000 समथिंग चली होगी, फर्स्ट ओनर है। वेरिएंट कौन सा है? वेरिएंट XZ है। XZ है। हाँ। टॉप था, टॉप से नीचे था? टॉप था। इसमें एयरबैग भी मिलेगा, व्हील भी मिलेगा, स्टेयरिंग पे कंट्रोल भी मिलेगा म्यूजिक सिस्टम का। ओके तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी है। इसका माइलेज बहुत अच्छा है डीजल वर्जन पे। क्या माइलेज है भैया? मैंने इसको चलाया भी है तो मीटर पे भी शो करता है, तकरीबन 21-22 का माइलेज होता है। सिटी में हाईवे चलाया, सिटी में थोड़ा सा कम होगा 1-2 किलोमीटर का फर्क आएगा। ठीक है बाकी भैया पूरी गाड़ी बढ़िया कंडीशन में, कलर भी थोड़ा यूनिक है, अच्छा कलर है। जी जी। डिमांड क्या कर रहे हैं? ये डिमांड है इसकी 4,35,000 रुपये। 4,35,000 अभी कितने में आती होगी भैया? ये तकरीबन 8.5 समथिंग की होगी। ओके BS6 में 8.5 के आसपास है, डिमांड 4,35,000 है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर देंगे। सारी गाड़ियों की भैया डिटेल दे दी, थोड़ा सा आप इधर आइए चलते हुए डिटेल लेते हैं। फाइनेंस की भैया सुविधा क्या है? फाइनेंस हमारे यहाँ ITR कटौनी सैलरी स्लिप मतलब सभी लोगों के लिए फाइनेंस अवेलेबल है। सभी लोगों में, प्राइवेट भी, किसान भी सरकारी भी
ठीक है, जॉब वाले भी, मतलब सब में हो जाता है, सब में हो जाता है, सिर्फ यूपी में ही होता है, सिर्फ यूपी में ही अभी हमारे पास है, आगे प्लान कर रहे हैं बाहर के लिए भी, लेकिन अभी फिलहाल हम यूपी में ही गाड़ी बेच रहे हैं, तो यूपी का ही हम जानते हैं। ओके, बाकी किसी को बाहर अगर कोई बैठा है, मान लीजिए बिहार झारखंड, बहुत सारे भाई हमारे बैठे हुए हैं, अगर उन्हें पसंद आती है तो वो यहाँ आके गाड़ी आके और ले जा सकते हैं। ओके, उनको यहाँ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, गाड़ी वैसे भी बिना चेक किए कैसे कोई ले, क्यों, और गाड़ी यहाँ आने के बाद चेक करेगा, सब कुछ पसंद आता है, डील जो है वो कैश में हो जाएगी, आरटीजीएस, एनईएफटी। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो भी गाड़ी है, जो भी आता है यहाँ पे, आकर पूरी गाड़ी चेक कर ले, मैकेनिक को चेक करा ले, पूरी तरह से इत्मीनान कर ले, तब हमसे परचेज करे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पुरानी गाड़ी होती है, जैसे नई गाड़ियों में भी खराबी आती है, पुरानी में आती है, तो पूरी तरह से इत्मीनान करने के बाद ही हमसे डील करें। ठीक है, संतुष्टि होगी, वही डील अच्छी होगी, माइंडसेट अच्छा रहेगा हमेशा के लिए, कोई डाउट नहीं रहेगा, और सारी डिटेल हमने दे दी। 12 मॉडल से शुरू होती है क्यों भैया फाइनेंस? 12 मॉडल से फाइनेंस शुरू होता है, और 12 मॉडल 11 पे भी हो जाता है, लेकिन उस पे एक साल का होता है, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है, ईएमआई नहीं दे पाता आदमी। ठीक है, तो 12 मॉडल से शुरू होता है। ठीक है, तो भैया बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कभी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कोरोना से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, धन्यवाद।